अच्छा यार तो अब हम आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर फोर के लास्ट लेसन के ऊपर और इसके अंदर मैं बेसिकली एक रन डाउन करूंगा उन सारी चीज़ों का जो मैंने आपको पिछले तीन लेसन के अंदर सिखाई है ताकि अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो इस लेसन के अंदर वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में हो एंड दिस लेसन इज बेसिकली अबाउट अग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स दैट यू डू कमिटमेंट स्पॉन्सर और अ ब्रांड देखिए भाई सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप किसी भी किस्म की यू नो अग्रीमेंट करें या किसी भी किस्म की कॉन्वर्जेशन करें कोशिश ये करें कि WhatsApp के ऊपर या मैसेज़ के ऊपर या इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर कानवर्जेस ना करें या फ़ोन के ऊपर भी ना करें और अगर आप फ़ोन के ऊपर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी जो भी फ़ोन पर बात हुई हो आप इंश्योर करें ब्रांड के साथ कि भाई ये कॉन्वर्जेसन के मिनट्स ये पूरा एक एग्रीमेंट ये पूरी कॉन्वर्जेसन एक डॉक्यूमेंट के अंदर वो आपको ई करें करे अपना आप एक फॉर्मल ऑफिशियल ई एड्रेस बनाएं अपना बैंक अकाउंट अपने नाम से बनाए बहुत सारे लोग बैंक अकाउंट्स नहीं है बड़ा मसला होता है अपने आप को टैक्स पेइंग सिस्टम जो है उसके अंदर रजिस्टर करें बहुत सारे यूट्यूबर्स बचने की कोशिश करते हैं फिर बड़े बड़े नोटिस आ जाते हैं इसमें यह भी होता है कि बहुत सारी ब्रांड्स आपके साथ काम नहीं करती अगर आप टैक्स पेयर नहीं है फिर बड़ा लंबा रूट चलता है पेमेंट बड़ी लेट मिलती है तो कोशिश करें कि आप अपना बैंक अकाउंट ज़रूर बनाएँ अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस ज़रूर बनाएं और अपने आप को एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर कर लें स्टार्टिंग इन तीन चीज़ों से होनी चाहिए लाजमी बाकी सारी चीज़ें अभी आप साइड पर रख दें तो ये तीन चीज़ें आपकी हो गई अब आती है कम्युनिकेशन वो आपको ईमेल के ऊपर करनी है उसके अलावा कोई भी कम्युनिकेशन अगर फ़ोन पर हुई है या व्हाट्सएप पर हुई है तो उनको ये बोल दें कि देखें ये अनऑफिशियल ठीक है एक कैजुअल कॉन्वर्जेशन है जब तक आप ईमेल के ऊपर मुझे डॉक्यूमेंट बनाकर नहीं भेजेंगे जिस पर आपका ठप्पा आपका साइन हो उस वक्त तक ये फॉर्मल नहीं होगा और उस वक्त तक मैं किसी भी चीज का लायबल नहीं हूं और यही तरीका है प्रॉपरली अपने आप को जो है ना वो सेफ रखने का तो ये चीज हो गई कि आपने अग्रीमेंट जितनी भी कॉन्वर्जेशन जो कुछ भी है वो आपने करी ईमेल के थ्रू अब हिसाब आता है पेमेंट का पेमेंट के ऊपर भी जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आपको 50 परसेंट एडवांस जरूर लेना है फिफ्टी परसेंट से कम आप 35 परसेंट तक जा सकते हैं वो भी उस सूरत में अगर आपका मिलियन या 1.5 मिलियन या 2 मिलियन इतनी बड़ी एक अमाउंट है अगर आपकी एक लाख डेढ़ लाख पचास हजार चालीस हज़ार की तो आप स्ट्रेट अप बोलें भाई मुझे हंड्रेड परसेंट एडवांस चाहिए वरना मुझे काम ही नहीं करना अगर ब्रांड बहुत चीची करे तो फिफ्टी परसेंट एडवांस लाजमी और फिफ़्टी परसेंट इमिडियटली इधर आफ्टर द प्रोजेक्ट या जो भी आपकी टाइम में सेट हो रही है इफ़ यूर कंफर्टेबल विद दैट मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि ब्रांड ने बोला कि भाई हम आपको फिफ्टी परसेंट दे रहे हैं बट फिफ्टी परसेंट बाकी जो है आपको नवे दिन बाद देंगे मैंने बोला मुझे नवे दिन बाद नहीं चाहिए आई डोंट वॉन्ट टू वर्क विद्रांड जिसके पेमेंट साइकिल इफ़ If यू वॉन्ट टू वर्क विद मी तो आपको मेरी टर्म्स पर काम करना पड़ेगा क्योंकि आप मेरे पास आए मैं आपके पास नहीं आया आपको मेरे चैनल की जरूरत है नहीं है तो भाई ठीक है कोई मसला ही नहीं है फिर आप किसी और से काम करा लें आपको ये मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा ये भरमबाज एटीट्यूड रखना होगा वरना ब्रांड्स आपको नचोड़ के खा जाएंगे और आपके ऊपर ऐसे चलेंगे कि आपकी कोई औकात नहीं है और ये मैं बहुत इनसाइडर यू नो सीक्रेट आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपकी कन्वर्जन से मायने उनको सिर्फ आपकी कन्वर्जन से मतलब है और वो कन्वर्जन आपके हाथ में तो जब वो पावर का जो सोर्स है वो आपके हाथ में है तो आप अपने पत्ते प्रॉपरली खेलें ना ज्यादातर यूट्यूबर्स जो हैं, वो ये सर यस मैम मेम साहब बन जाते हैं और फिर होता यह है कि ब्रांड जो है वो आठ नौ नौ महीने तक रुलाता है क्योंकि है, जब आप इतने बीघी बिल्ली है अल्लाह में गाय है तो वो तो रुलाएगा फिफ्टी परसेंट स्ट्रेट अप एडवांस लेना है अगर एक लाख रुपए से कम की पेमेंट है तो हंड्रेड परसेंट एडवांस लेना है नो no कॉन्शन पैसे इमीडिएटली नहीं आ रहे छोड़ दो कोई मसला नहीं है आगे आ जाएंगे अच्छा भाई पैसों का हिसाब हो गया डन अब ब्रांड आपके पास अपनी रिक्वायरमेंट लेकर आता है हमें ये चाहिए ये चाहिए आपको इधर लोगो लगाना होगा अपने माथे पे लोगो लगाना होगा अपनी छाती पे लोगो लगाना होगा <laughs> क्योंकि ब्रांड का तो मकसद ये होता है कि भाई वो पूरी वीडियो के अंदर अपना लोगो लगा दे पूरा ऐड बना दे आपको स्ट्रेटअप मना करना है क्योंकि ये बहुत बुरी जो है ना एक इंप्रेशन देता है बहुत बुरा इंप्रेशन देता है एक बहुत बुरा इफेक्ट आता है ऑडियंस के ऊपर अगर मैं कभी भी कोई ऐसी वीडियो देखता हूँ जिसको शुरू से लेकर एंड तक सेवर से, से स्पॉन्सर के लोगों चिपके हुए मैं बहुत टर्न ऑफ हो जाता हूँ आप टैक्फुली करें बिल्कुल प्रमोट करें प्रमोट करने में कोई मसला नहीं है मगर ब्रांड को बोलें कि भाई मेरा चैनल है अपनी मर्जी से एक बैलेंस के अंदर मैं आपकी चीज को प्रमोट करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरी ऑडियंस एक सर्टन तरीके से मेरा कॉन्टेंट देखती है अगर मैंने उसको जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज किया तो मेरी व्यूअरशिप लूज हो जाएगी तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि जो भी ब्रांड बोले उसको यस सर यस मैम बोल के डन नहीं कर देना उस पर सोचें फिर उस एग्रीमेंट पे साइन करें फिर कमिट करें वरना कमिट ना करें अच्छा ये हो गया कि आपको क्या क्या डिलीवर करना है ओवर कमिट ना करें अगर आप नहीं कर सकते ना तो ब्रांड को सब बाग सुनहरा ख्वाब ना दिखाएं मैं ये भी कर दूंगा ड्रोन भी आ जाएगा रेड कैम भी आ जाएगा भाई आपकी जितनी औकात है ना आप उतनी बात करें मुझे पता है भी मेरे चैनल के अंदर मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है मेरे पास ड्रोन नहीं है ऐसा नहीं है कि मैं ड्रोन आ, आज बोलूंगा तो ड्रोन मेरे पास नहीं आ जाएगा मगर मेरे पास ड्रोन नहीं है मैंने और कभी ड्रोन उड़ाया नहीं तो मैं ड्रोन की क्यों फुटेज जो है वो प्रॉमिस करूँ बहुत सारे ब्रांड ने अक्सर बोला कि मैं ड्रोन फुटेज चाहिए मैंने बोला भाई नहीं है ड्रोन फुटेज चाहिए ना पिछहत्तर हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे दो दो दिन के लिए मैं ड्रोन कराए पे ले आऊँगा उसका एक ऑपरेटर आएगा उसके इतने इतने पैसे होंगे स्ट्रेट अप बात है तो कभी भी ब्रांड आपसे विजुअली या प्रोडक्शन वाइज अगर ज्यादा चीज एक्सपेक्ट कर रही है तो उसका एक अलग से बिल बना के दे दें कि भाई ये ये चीजें हैं ये आपने मांगी है इसका बिल ये है अगर आप ये पे कर सकते हैं तो हम अपनी वीडियो में डाल देंगे वरना हमारे पास जो भाई एक कैमरा है, एक लाइट है खिड़की के सामने हम बैठ के रिकॉर्ड करते हैं हम तो इतना ही कर सकते हैं सीधी सीधी बात है बी ऑनेस्ट डू नॉट ओवरकमिट टू एनी ब्रांड अच्छा ये सारी चीजें होने के बाद एक चीज जो मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगा वो ये है कि जो भी आपका कॉम्पिटिशन है उसको रिसर्च करें उनकी रेट लिस्ट निकालें एजेंसीज के अंदर अपनी पार्टनरशिप्स बनाए एजेंसी वालों से अपनी दोस्तियां करें जो एड एजेंसीज और डिजिटल एड एजेंसीज होती हैं उसकी वजह यह है कि अक्सर वहां से आपको पता चल जाता है कि आपका कॉम्पटिशन जो है या कोई और यूट्यूबर जो है वो किस तरीके से चार्ज कर रहा है और ब्रांड उनको किस तरीके से पैसे दे रही है ऑब्वियसली ये आपको अपने रेट बढ़ाने में भी हेल्प आउट करेगा और आपको ये भी बता देगा कि अच्छा अगर आपको बेहतर रेट देना है किसी से तो आप किस तरीके से कंपेरेटिव रेट रख सकते हैं कंपेरेटिव प्राइसिंग रख सकते हैं आ, कोशिश करें कि आपने जितने भी एसेट्स हैं यानी कि अगर आपकी यूट्यूब वीडियो है तो एक एक सर्टेन हद तक अपने यू you नो know, सब्सक्राइबर काउंट के हिसाब से या व्यूअरशिप काउंट के हिसाब से एक रेट तय कर लें यह नहीं कि किसी को आपने पचास हजार बोल दिए किसी को आपने पाँच लाख रुपए बोल दिए एक एक रेट या एक रेंज सेट कर लें कि भाई इस तरीके के कॉन्टेंट के मैं दो लाख रुपए लेता हूँ इस कॉन्टेंट के पचास हजार रुपये लेता हूँ या दस हजार रुपये लेता हूँ या दस लाख रुपये लेता हूँ वो तो आपकी मर्जी है ना खुल खुला खाता है जो भी आप जो भी आपका दिल करें मगर एक रेट कार्ड बना लें ताकि रैंडमली लोगों को आपके रेट्स ना जाएं होता क्या है कि जब भी आपके पास कोई ब्रांड आती है ना तो वो डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू आती है और एजेंसीज के अंदर आपके रेट्स चल रहे होते हैं अब एक एजेंसी वाले ने बोला यार इसने यारीडियो तो इस के पचास हजार रुपए बोले दूसरे ने बोला यार ये तो पांच हजार रुपए में करने के लिए तैयार है तो एक मसला हो जाएगा ब्रांड बोलेगा कि नहीं यार ये सही बंदा नहीं है तो अपना एक रेट कार्ड बनाए उस रेट कार्ड को अपने बढ़ते हुए सब्सक्राइबर काउंट अपने बढ़ते हुए व्यूअरशिप काउंट अपने बढ़ते हुए इंस्टाग्राम काउंट के हिसाब से अपडेट करें हर चार छः महीने में अगर आप दो साल पहले पंद्रह हज़ार रुपये चार्ज कर देते तो अब आपको उस हिसाब से अगर आपकी सारी चीज़ें बढ़ी हैं तो आपके रेट कार्ड के ऊपर आपकी प्राइसेस भी बढ़नी चाहिए और फिर फाइनली जब ये सारी चीज़ें हो जाए आपने कम्युनिकेशन सही तरीके से कर ली अपनी मर्जी का रेट बनवा लिया एडवांस भी ले लिया सब कुछ कर लिया फिर अंडर डिलीवर ना करें जो ब्रांड से कमिट किया है कोशिश करें कि उससे बेहतर चीज़ दें ताकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने देखें इंडस्ट्री हमारी बहुत छोटी सी है ख़राब काम करेंगे फ़ौरन बदनाम हो जाएंगे एक बंदा दस लोगों को जानता है एक ब्रांड वाला दस और ब्रांड ओनर्स को जानता है एक एजेंसी वाला दस और एजेंसी वालों को जानता है आपका नाम ख़राब होगा तो कभी भी अपने काम के अंदर चोरी नहीं करनी पैसे पूरे लिए हैं पैसे पूरे करने हैं एक रुपये भी कम आपको नहीं देना अपनी एफर्ट के अंदर अपने जो कंटेंट के अंदर आप वैल्यू डाल रहे हैं उसके अंदर एक रुपया भी नहीं क्योंकि वो ऊपर वाले से भी रिलेशनशिप खराब है और सामने वाले से भी फिर रिलेशनशिप खराब है मैंने आपको अपने सारे जो सीक्रेट्स हैं ना अपनी स्ट्रेंथ मूव्स जो हैं डीलिंग विद स्पॉन्सर्स इन ब्रांड्स वो अब मैंने आपको बता दिए पूरी पटारी खोल के मैंने आप लोगों के सामने रख दिए और आई होप कि जो भी यहाँ पे यूट्यूबर बने इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर वो इन सारी चीज़ों को टाइट से अपनी गिरा में बांध ले क्योंकि अगर आप बांध लेंगे तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम बात करेंगे कि यूट्यूब जब आपका अच्छा खासा बन जाता है उसके बाद आपको क्या करना चाहिए